नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड स्किल में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सनफ्लावर की एक वैरायटी के बारे में, जो कि है ग्लेडेरिया। ग्लेडेरिया को आप कैसे सीड से उगाएंगे, इस वीडियो में आपको मैं फुल जानकारी देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी अपडेट भी दूंगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गर्मियों में कैसे आप ग्लेडेरिया को सीड से उगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ग्लेडेरिया के कुछ मिक्स्ड सीड्स लिए हैं, इनको मैंने स्टोर से परचेज किया हुआ है। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, पर प्रेफर करूंगा कि आप इनको स्टोर से ही परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन ये काफ़ी महंगे होते हैं और ऑनलाइन आपको क्या है, इन पे विश्वास नहीं होता। और आपको जो स्टोर से भी ये परचेज करने हैं, तो आपको इनको ये मैन्युफैक्चर डेट और इनके एक्सपायरी डेट देख के ही परचेज करने हैं। जो इनका प्राइस शो कर रहा है वो 40 रुपये शो कर रहा है एक पैकेट का, बट ये आपको स्टोर से 15 या 20 रुपये की मिल जाएंगे आराम से, बट ऑनलाइन ये आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इनको लगा के दिखाने वाला हूँ, इनकी मैं अपडेट भी आपको शो करूँगा। चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको मिट्टी का मिक्सर कैसे लेना है और किस मिट्टी में आपको इसे गमले में कैसे आपको इसको लगाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मैंने मिट्टी का मिक्सर लिया है उसके लिए मैंने लिया है 20% गोबर की खाद, या आप 20% वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। साथ में लिया है मैंने 60% मेरी मिट्टी की सोइल, इसमें आप काली मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। और साथ में लिया है मैंने 20% कोकोपीट पाउडर, इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं इजीली, या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। कोकोपीट करता क्या है, आपकी जो मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखता है। तो अब मुझे तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप सीड्स को गमले में उगाना चाहते हैं, तो गमले में मिट्टी कैसे तैयार करनी है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके अपने गमले के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने सीड्स को ग्लास के अंदर ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैंने कुछ कप के ग्लास लिए हुए हैं और इनमें देखिए मैंने नीचे सुराख कर दिए हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसके थ्रू निकल जाए और जो हमारे सीड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वाटर इन छेद से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने अपने हर कप में ये छेद किए हुए हैं, आप भी ऐसे कंटेनर लें जिसमें आप सुराख कर सकें, ताकि एक्स्ट्रा वाटर हमारा बाहर निकल जाए। तो चलिए, अब मैं अपने मिक्सर को मिक्स कर लेता हूँ। मुझको मिक्सर जो को अपने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमारी कोकोपीट है, खाद है और मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद देखिए मेरे मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसको अपने कप्स में भरना स्टार्ट करूंगा। देखिए, मैंने कुछ कप्स लिए हैं, इसमें मैं अपनी मिट्टी को भर देता हूँ। और भरने के बाद आपको करना क्या है, मैं इसमें करने क्या वाला हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी दे वाला हूँ, क्योंकि कप भरने के बाद क्या होता है, मिट्टी अभी अगर आपकी गीली नहीं है, तो सबसे पहले मैं मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लूँगा, ताकि जो सीड्स लगाएं उसमें ऊपर से ज़्यादा वाटरिंग ना हो और कमी वाटरिंग हो, जो मिट्टी हमारी गीली रहे। तो मैं इसमें मिट्टी भरने के बाद देखिए मैंने अपने कप के अंदर मिट्टी भर को अच्छे से भर लिया है, और भरने के बाद इसमें थोड़ा वाटरिंग कर देता हूँ, ताकि जो मेरी मिट्टी है वो गीली रहे। और गीली होने के बाद मैं इसमें अब अपने सीड्स लगा के दिखाने वाला हूँ आपको। कुछ टाइम के लिए मैं इसको रख देता हूँ, ताकि जो मिट्टी अच्छे से पानी को सोख ले। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी ने पानी को अच्छी तरह से सोख लिया है, अब मैं इसमें अपने सीड्स को लगाने वाला हूँ। जो सीड्स लगाने वाला हूँ उसको लगाना कैसे है आपको देखिए, इसके लिए मैंने आप पहले अपनी लकड़ी की राख ली हुई है, या चाहे आप कुछ फंगीसाइड पाउडर भी ले सकते हैं। इससे होगा क्या, जब आप इसको अपने सीड के साथ मिलाकर इसमें लगाएंगे, तो क्या होगा, फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बीज ओवर वाइटनिंग की वजह से सड़ेंगे नहीं। तो इसमें मैं अपने सीड्स को लेता हूँ, और इसमें अपनी आप फंगीसाइड पाउडर यूज कर सकते हैं, तो बट मैं इसमें अपनी लकड़ी की राख यूज कर रहा हूँ। तो उसमें मिक्स करके मैं अपने सीड्स अपने कप में लगा रहा हूँ। आप इसको चाहे गमले में भी लगा सकते हैं, तो जो गमले का साइज लेना है वो काफ़ी बड़ा लेना है। तो साइज रखना है आपको कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, और कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर आपको गहराई वाला गमला यूज करना है, क्योंकि जिसके फीट पेड़ों का साइज होता है, जिसके पौधे का साइज होगा, वो आपका 1 से 3 फीट तक आपके ग्लेडेरिया के पौधे का साइज रहेगा। और ये गमलों में काफ़ी अच्छे खिलते हैं, तो मैं अभी कप में लगा रहा हूँ इनको। फिर इनको जब ये थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, ये ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इनको मैं ट्रांसप्लांट अपने गमलों में कर दूंगा। इसको वैसे हम कट फ्लावर के रूप में यूज करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फ्लावर है और मिक्स कलर में काफ़ी अच्छा पाया जाता है, और ये 40 से 45 डिग्री तक खराब भी नहीं होता है। 40 से 45 डिग्री में इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। तो देखिए, मैंने सीड्स को अपने कप में अपनी मिट्टी के ऊपर रख दिए हैं। अब मुझको करना क्या है, उसमें जो मेरे सीड्स रखे हैं मैंने मिट्टी के ऊपर, इसको एक लेयरिंग करनी है। अब लेयरिंग करनी किस चीज़ से है, आप चाहे इसको अपनी मिट्टी के से भी लेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट पाउडर है तो आप उससे इसकी लेयरिंग कर दीजिए, ताकि जो इसके सीड्स हैं वो हमारे मिट्टी या फिर कोकोपीट के अंदर रहें, और इनका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होगा। इससे होगा क्या, जो आपके सीड्स अंदर रहेंगे, और मैं इसमें यूज कर रहा हूँ कोकोपीट पाउडर ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी नमी को बनाए रखेगा। तो मैक्सिमम अगर आप यूज कर सकते हैं तो कोकोपीट पाउडर का ही यूज करें लेयरिंग के लिए। अगर आप गमले में सीड्स लगा रहे हैं, तो कम से कम 2 mm की आप लेयरिंग बनाएंगे सीड्स के ऊपर।
तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने सीड्स को अपने कोकोपीट पाउडर से अच्छी तरह से ढक दिया है। अब देखिए, जो मेरी ऊपर की लेयर है थोड़ी ड्राई है, सूखी हुई है। इसको मैं क्या करूँगा, स्प्रे से अपनी पानी से इसको थोड़ा वेट कर दूँगा, गीली कर दूंगा ऊपर की लेयर, ताकि जो मेरी ऊपर की लेयर है वो भी थोड़ी गीली रहे और जो सीड्स है उनमें उनका जर्मिनेशन जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहे। और आपको याद रखना है कि आपको डेली इसमें एक बार वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग ऑलवेज जो भी करनी है आपको स्प्रे से ही करनी है, डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। डायरेक्ट पानी आप डालोगे तो ओवर वाटरिंग से आपके सीड्स ख़राब हो जाएंगे, तो आप स्प्रे से ही इसको वाटरिंग करें। वाटरिंग करने के बाद मैं अपने इन कप्स को ऐसे प्लेस पे प्लेस करूँगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। अब मैं आपको ग्लेडेरिया की अपडेट दिखा देता हूँ। जो 6 दिन पहले मैंने अपने ग्लेडेरिया सीड्स को पॉट में लगाया था, तो देखिए आज मेरे ग्लेडेरिया के सीड्स को पॉट में लगाए हुए 6 दिन हो चुके हैं, और देखिए काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन है इनका, काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन ग्रोथ है। सारे सीड्स लगभग मेरे पॉट में निकल चुके हैं। अब मुझको डेली इनमें वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग तब तक करनी है जब तक हमारे पौधे के अंदर ट्रू लीव्स ना निकल जाए। तो ट्रू लीव्स जब निकल जाए तब इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आज 15 डेज हो चुके हैं हमारे ग्लेडेरिया के फ्लावर को सीड से लगे हुए, और ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब मैं इनको क्या करूँगा, इनमें ट्रू लीव्स निकल चुकी हैं हमारी, अब मैं इनको अपने दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से ग्लेडेरिया के फ्लावर को सीड से उगा सकते हैं इजीली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।